असल को एवरी वन वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल आई होप आप सब खैरियत से हो गए स्टार्टिंग में जो है ना मैंने आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाया इतना प्यारा इतना प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे आजकल और बाहर का मौसम अच्छा होना तो आप ख़ुद ब खुद बाखुद बहुत ही अच्छा बहुत लाइट फील करते हो और नॉर्मली क्या होता है मेरी वीडियो स्टार्ट होती है किचन से कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट करते हैं आज मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग से वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं की ये अराउंड तकरीबन एट ओ का या शायद नाइन ओ का टाइम था और नॉर्मली क्या होता है वीकेंड्स पे हम लोग ज़्यादातर बाहर होते हैं बहुत लेट नाइट वापस आते हैं तो जो वीकेंड्स के बाद के जो दो दिन होते हैं लाइक संडे और मंडे वो काफ़ी हेक्टिक होते हैं घर को बैक टू नॉर्मल रूटीन में लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन उसके अलावा मेरे पास जो भी फ्री टाइम होता है ना मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि जो मेरे फेवरेट काम है जैसे मुझे घर को ऑर्गेनाइज़ करना और डी करना पेंटिंग करना ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और अभी से नहीं बहुत स्टार्ट से यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से भी पहले मैंने एक जो है ना शॉर्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था तो बहुत पहले से जो है ना मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं घर को सजाना बजाना बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली जो डी चीज़ें होती हैं ना जो अपने हाथ से बनाई होती हैं चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसपे मैंने पिक्चर्स वॉल फ्रेम बनाई थी वाइट कैनवास के ऊपर ब्लैक पेंट किया था कुछ पिक्चर्स प्रिंट आउट करवाई थी और इनके ऊपर जो हैं वो मैंने पेस्ट की थी तो जो पिक्चर्स हैं ना वो मैंने हटा दी हैं कुछ पिक्चर्स रहने दी हैं बाकी मैंने हटा दी हैं और उसकी जगह पे जो बहुत ही मेरे फेवरेट मोटिवेशनल कोड्स हैं वो मैंने इनके ऊपर पेस्ट किए हैं और सही बताऊं ये वाले जो कोड्स हैं ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पिक्चर से ज़्यादा मे बी शायद ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट है इसलिए आप लोग बताना कि आपको इन दोनों में से कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं घर की डेकोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम न्यू न्यू चीज़ें लेके आएं बल्कि जो पहले से हमारे पास चीज़ें हैं अगर हम उनकी लोकेशन चेंज कर दें तो बहुत अच्छा लगता है पुराने जो चीज़ है उस पर पे पेंट कर दे या उनका लुक चेंज कर दे तभी बहुत अच्छा लगता है तो मेरे पास ये जो है ना पॉट पड़ा हुआ था इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वाइट पेंट किया हुआ था तो तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया पेंट भी काफ़ी ख़राब हो रहा था तो मैंने मेरे पास मस्टर्ड कलर का पेंट पड़ा हुआ था हमेशा पूछते हो आप लोग कौन सा पेंट यूज़ करते हो तो एक्रेलिक पेंट है पीछे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी सो so, वो जो है मैंने पेड़ इसके ऊपर अप्लाई किया था स्पंज की हेल्प से स्पंज की हेल्प से ऐसे लगाने से ना बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है मे बी वीडियो पे इतना ज़्यादा अच्छा फील ना होता हो लेकिन रियल में बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे वीकेंड पे जब हम लोग बाहर गए हुए थे ना तो वहाँ पे क्रॉकरी के सेक्शन से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो वहाँ पे मुझे ये कुकवेयर का सेट बहुत अच्छा लगा क्रीम कलर का था इसका सॉस पैन अच्छा खासा भरी साइज़ का था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्मॉल सॉस पैन पड़े हुए हैं सो so, मुझे इसी तरह का चाहिए था और वीकेंड के बाद जो है आके टाइम ही नहीं मिला इसको खोल के अंदर वापस रखने का किचन में तो अभी बस घर वगैरह समेट लिया था मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया था तो मैंने सोचा कि इसको भी वापस रखती हूँ फोर जो हैं इसके पॉट्स हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं इसका जो लिड है वो ग्लास का है तो बहुत अच्छा सा लगता है ये सो so बस ये लिया था और अब जो है इसको मैं रखूंगी वापस इनकी जगह पे यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ लाहौरी ग्रीन चिकन जो कि बहुत ही मजे का और थोड़ा सा डिफरेंट सा बनता है तो मैंने यहाँ पे धनिया पुदीना एंड ग्रीन चिलीज़ इसमें इनको मैंने डाला है ग्राइंडर में पानी डाल के इनका मैंने फाइन सा पेस्ट रेडी कर लिया था इनका ये हिसाब रखना है कि एक घटी ली थी मैंने धनिया की और हाफ घटी ली थी पुदीना की और तकरीबन आठ से नौ मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी क्योंकि मेरी जो ग्रीन चिलीज़ थी बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी इस चिकन में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है तो तकरीबन मैंने हाफ कप से भी थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया था प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाली थी प्याज जब ब्राउन हो गई थी तो इसमें मैंने तकरीबन वन एंड हाफ टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और फिर इसमें मैंने चिकन ऐड कर दी थी अब जो है ना चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना ये वाला जो चिकन है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनता है क्योंकि हम इसमें पानी बहुत कम ऐड करेंगे उसके बाद जब चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई थी तब मैंने इसमें डाल दिए थे, थे मसाले वन टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला था और तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाला था हल्दी पाउडर इस टाइम तक चिकन थर्टी टू 40 परसेंट तक पक गया था रेड चिली डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए के पकाया था और जब थर्टी टू फोर्टी परसेंट तक चिकन पक गया था तब मैंने इसमें धनिया पुदीने का पेस्ट ऐड किया था वन टेबल स्पून मैंने जो टमेटो पेस्ट होता है वो ऐड किया था वन टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था और फिर इसको इस पर पानी मैंने डाल दिया था पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से ढक कर के पकाया था और जब चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक गया था तब मैंने इसमें जो है फाइव टेबल स्पून के करीब कुकिंग क्रीम ऐड की थी और उसको जो है ना कुकिंग क्रीम ऐड करने के बाद मज़ीद इसको जो है ना ढक के पकाना है इतना पकाना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और इसका बहुत ही अच्छा सा इस टाइप का कलर आएगा अगर आप धनिया पुदीना जो है ना बिल्कुल स्टार्ट में डाल दोगे ना तो जो चिकन की ग्रेवी है वो काली सी हो जाएगी तो थोड़ा सा लेट ही डालना जब थर्टी टू फोर्टी परसेंट चिकन हो जाए धनिया ना इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट सा बहुत ही मज़े का होता है और यहाँ पे बस मैं सैलड रेडी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर तक मंसूर भी आने वाले हैं और यहाँ पे जो है इलियाना बैठ के अपने पॉपकॉर्न खा रही है, है। वा। वा। जी 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 जी। मंसूर डेली बेस पे ऑफिस से लंच पे घर नहीं आते हैं हालांकि ऑफ़िस बिल्कुल करीब ही है लेकिन उनका होता है कि मीटिंग्स वगैरह हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और घर जब आते हैं ना तो फिर इलियाना भी बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज़ हो जाती है जाते हुए रोती है तो इस वजह से उनका होता है कि मैं वहाँ से से खा लूँ और आज जाते हुए बता गए थे कि लंच जो है वो घर पर ही करेंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बना दिया एलियाना भी थोड़ा तो सा लेट उठी थी तो उसने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद इसको मैंने जो है ना फ्रूट्स वगैरह का मिर्ची वगैरह बना दिया था तो वो उसने लिया था तो इसलिए उसका बिल्कुल भी मूड़ नहीं था और मैंने तो सुबह तकरीबन सात साढ़े सात बजे तक नाश्ता किया होता है मैंने तो मुझे इस टाइम पे बहुत भूख लग जाती है अगर मैंने कुछ ना खाया हो दरमान में और ये ग्रीन चिकन जो है ज़रूर ट्राई करना बहुत मज़े की बनती है धनिया पुदीना और ग्रीन चिलीज़ की वजह से ना जो है इसका बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो जाता है चिकन का So सुबह हम लोगों ने लंच किया उसके बाद जो है मंसूर ऑफिस चले गए थे हम लोग जब लंच कर रहे थे ना तो इलियाना रोटी लेके अपने रूम में आ गई थी और मुझे लगा कि शायद अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है लेकिन जब मैं रूम में आई हूँ तो इसने टिश्यू पेपर का बॉक्स लिया हुआ था और एक एक करके टिश्यू पेपर्स नीचे फेंक रही थी बच्चों का बस यही है किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बिज़ी रखते ही है ये लोग ये तकरीबन शाम का टाइम है जीनियर स्कूल से आके बस उसने चेंज किया लंच वगैरह किया और इलियाना क्योंकि आज लेट उठी है तो इसका बिल्कुल भी सोने का मूड नहीं था पूरा दिन इसी तरह से घूमती फिरती रही घर में और स्टार्टिंग में तो ये लोग बहुत अच्छे से बाउंसिंग बॉल के साथ खेल रहे थे फिर मुझे फ़ील हुआ कि अब तो इनकी फ़ाइटिंग होने वाली है तो मैंने डिस्ट्रैक्ट कर लिया था बॉल इनसे ले ली थी और इनको ये बीट्स मैंने दे दी थी बहुत अच्छे बीट्स हैं इलियाना की बहुत सी एक्टिविटीज़ मैंने इससे करवाई हैं इसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और फिलहाल जो है ना दोनों बहनें अल्फाबेट्स जो हैं सेम सेम जो अल्फाबेट्स हैं उनको एक जगह पे जमा कर रही है वो no, okay. yes, for... no. बच्चों ने थोड़ी देर प्लेट लिया और उसके बाद जिया की कुरान क्लास स्टार्ट हो गई थी जिया अपनी कुरान क्लास अटेंड कर रही थी ऑनलाइन क्लासेस लेती है कुरान की और मैं आई थी किचन में इस टाइम पे ना बहुत भूख लग रही होती है कुछ हल्का फुल्का सा खाने का दिल करता है तो मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे समोर्स और ये बहुत मज़े के लगते हैं लेकिन ये है कि बहुत गर्म गरम ही अच्छे लगते हैं थोड़े से भी ठंडे हो जाएँ तो मज़ा नहीं आता इनका सात इन लोगों के लिए मैंने हॉट चॉकलेट मिल्क बनाया था बहुत ईजी सी रेसिपी है सिंपल दूध में थोड़ा सा कोका पाउडर डाला थोड़ी सी चीनी डाली अच्छे से बॉयल कर लिया एक बार और उसके बाद इसमें डाला मैंने माँस दो और बस रेडी हो गया हॉट चॉकलेट मिल्क जीनिया को बहुत पसंद है हॉट चॉकलेट इलियाना को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद बस ये है कि एक दूसरे प्ले लेती है जीनिया को देखे देखी और बस इवनिंग टाइम पे हम लोगों ने ये इन्जॉय किया समोर्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क शाम के टाइम पे मंसूर ऑफिस से आए तो दोनों ने कहा कि हम लोगों ने मिश खाना है और मिशकाहक ना बेसिकली चिकन होता है जो बारबी के फॉर्म में होता है और उसके ऊपर चटनी वटनी लगी होती है बहुत ज़्यादा कम होता है कि ये दोनों किसी चीज़ की फरमाइश करें स्पेशली खाने में मंसूर हालांकि बहुत थके हुए थे उन्होंने कहा फिर भी इनको लेके जाते हैं सो हम लोग आए हुए थे अपनी फेवरेट स्पॉट पूरे मस्कत में ये जो है जगह यहाँ पे हम लोग स्पेशल खाने आते हैं मिशकाह क्योंकि इनके मिशकाहक हमें काफ़ी पसंद है और ये बीच के बिल्कुल साथ ही है तो हम लोगों ने पहले बीच पे थे थोड़ा सा सनसेट वगैरह इन्जॉय किया उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर बस बच्चों ने जो है ना बार्मीकू वगैरह खाया और बस यही इनका डिनर भी था क्योंकि घर जाके ये लोग काफ़ी थके हुए थे घर जाके सो गए थे मेरा इतना कोई ख़ास मूड नहीं था मैंने अपने लिए कॉर्न मंगवाए कॉर्नस मेरे बहुत फेवरेट हैं साथ चाय पी और बस ये था हमारा आज का दिन जो कि ख़त्म हुआ सो oh yeah yeah, yeah. <laughs> so, ये है नेक्स्ट डे का क्लिप उस दिन थी मेरी बर्थडे पूरा दिन तो कुछ खास शूट नहीं कर सकी बस रात को केक वगैरह कट किया था उसी के कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ, साथ शेयर कर रही हूँ और दिन में भी मैंने कुछ ख़ास कुकिंग नहीं की थी रात को मंसूर जो है बाहर से चीज़ें वगैरह ले आए थे सो बस ये थी सिंपल सी मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन और सिंपल सा मेरा व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हाफिज़